देवास शहर के बीच अलंकार मार्केट में एक 3 मंजिला मकान में सोमवार सुबह सबसे ऊपर बने एक कमरे में आगजनी की घटना हो गई। हादसे में 3 लोग 2 पुरुष 1 महिला झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को परिजन निजी अस्पताल ले गए। आगजनी की घटना के बारे में जब परिजनों से जानकारी लेनी चाहिए तो वे अलग अलग बात कर रहे थे। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की। मौके से बारूद से बने अनार मिले, साथ ही बारूद से काम करने के लिए हाथ के दस्ताने भी पुलिस को मिले। प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई कि मकान की 3री मंजिल में बारूद से अनार बनाने का काम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। घटना के बाद वहां पर पुलिस ने मुआयना किया तो बारूद की गंध भी आ रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही निगम का दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन परिजनों ने ये कहकर दमकल को रवाना कर दिया कि मामूली आग थी जिसे उन्होंने ही बुझा दिया था। मकान में रहने वाले सरोवर खान ने बताया कि 3री मंजिल पर खाना बनाते हुए आग लग गई थी। कमरा छोटा था, अचानक आग लग गई। जबकि अस्पताल में अन्य परिजनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना हुई। मामले को लेकर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 3 घायल को लाया गया था। तीनों करीब 50% के आसपास झुलसे हुए थे। तीनों को उनके परिजन यहां से निजी अस्पताल ले गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 3री मंजिल पर बने कमरे में जाने का एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। ऊपर जाने पर देखा तो आगजनी से कपड़े, घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने मौके से बारूद से बना अनार जब्त किया, साथ ही बारूद का काम करने में सहायक हाथ में पहनने के मोजे पुलिस ने जब्त किए हैं। मामले में फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गैस पे खाना बना रहे थे तो इसके घर में आग लग गई, तो कमरा छोटा था, इसके एक दूसरे का सामान इधर ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी था। और आप बता रहे हो कि गैस की टंकी जली है, गैस लगी है वहाँ पर, हमने मौका मुआयना करा तो तार वार गैस की टंकी तो कहीं नहीं दिखी। एक मिनट, अगर आग लगेगी तो सामान तो सारी जलेगा ना, गैस भी जलेगा, ये भी जलेगा। इस घटना में कितने लोगों को चोट आई है? एक छोटा इलाका है और 2 भी बाकी कोई भी बनाते तो है ना। नहीं नहीं बना रहा, कुछ अनार भी मिला है और अनार ग्लब्स भी मिले हैं। सामान बनता रहते हैं घरों में हर चीज। ये भी अलंकार मार्केट से लेके आए थे, उसमें 3 लोगों के जल के आए थे, जिनके नाम शहजाद पिता गप्पा और उनका बेटा फैजान और उनकी वाइफ आरजू थी, जिनको अभी प्राथमिक उपचार करके वार्ड में भर्ती किया है। अभी उनकी हालत स्थिर है, ये लगभग 50% बर्न। उन्होंने घर पे कुछ शॉर्ट सर्किट होने से बताया था आग लगने का। ये शहजाद पिता जब्बार है, जिनका घर अलंकार मार्केट में है। इनके घर के ऊपरी साल ऊपर वाले जो मकान बना हुआ है सर, उसमें आज आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें मौके पे पुलिस गई थी। मौके पे पुलिस गई जब तक उनके द्वारा आग बुझा दी गई थी, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई है, आगजनी थाना कायम किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और इसमें 3 लोग घायल हैं, शहजाद पिता जब्बार, पत्नी उसकी अरुण भी एवं बेटा फैजान। जिन तीनों का भी प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में हो रहा था, परंतु उनके द्वारा स्वयं अपने खर्चे से वापस अमलदास अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हमें भी सूचना दूसरे के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक घर में आग लगी है, जिस पर मौके पर पुलिस गई थी। तो मौके पर जो पुलिस अधिकारीगण गए थे तो उनको एक अनार का मिला है, उसको जब्त कर लिया गया है। और बाकी फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर आए हैं, और फॉरेंसिक टीम वहाँ पर जो भी सैंपल लेकर जांच करके उसमें तथ्यात्मक चीज बता पाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।